सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो आप? आज शबाना किचन में मैं बनाने जा रही हूँ मुर्ग मुसल्लम चिकन मलाई हंडी। चिकन मलाई हंडी ये आज मैं ये रेसिपी थोड़ी अलग बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है आधा पाव मतलब 250 ग्राम चिकन। मैंने ये सब सामग्री रखी है, ये सब सामान जो ली के रखा है ना चिकन के लिए जो बनाने के लिए मुझे चाहिए। टोमेटो लिया है 2 से, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर, मीडियम 2 साइज़ के प्याज, हरी मिर्ची, कस्तूरी मेथी भुनी हुई कस्तूरी मेथी, उसके लिए मैंने दही ग्राइंड करके लिया है, और क्रीम लिए फ्रेश क्रीम, अदरक लहसुन की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, रेड फ्लैक्स, रेड चिली फ्लैक्स, उसके लिए लिया गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, अक्का धनिया और ब्लैक पेपर। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। अभी हमारे पैन गर्म हो गया है, इसके लिए मैंने इसके अंदर ये चम्मच भर के ऑयल डाला, इसमें सोयाबीन ऑयल। मैं बार बार बताती हूँ कि सोयाबीन, सेंगदाना, खोबरा, जो फल्ली का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है और सूर्यफूल का तेल होता है, वो अलग अलग टाइप के खाना चाहिए। पहले प्याज जो मैंने मीडियम साइज़ की कट करके रखी थी, अभी चिकन मलाई हंडी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाली, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, क्योंकि दोनों का कच्चापन निकल जाना चाहिए। ये जो है ना मैंने मिर्ची भी इसमें डाली है फ्राई करने के लिए, ठीक है। तब ये सब इसको कच्चापन निकलना चाहिए, सिर्फ टमाटर, और इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ प्याज और टमाटर का कच्चापन निकलना चाहिए, क्योंकि हमको इसकी पेस्ट करनी है, मिक्सर से निकालनी है। देखिए ये चिकन तो नहीं है, हमको तलना है, फटाफट बन जाती है। ये मुर्गे से ना मैंने जल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, तो देखो ये फटाफट बन जाती है। अब ये चिकन को ना मैं अच्छे से तेल में फ्राई करके लूँगा, ठीक, अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ना मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूँगा। देखिए अभी हमारा चिकन अच्छे से तेल में भून गया है, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। देखिए अभी मेरा गोश्त ना अच्छे से, चिकन है ना अच्छे से फ्राई हो गया तेल में, और मैंने उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली, वो भी अच्छे से फ्राई हो गई। अभी उसमें मैंने जो ये बना के रखी थी ना पेस्ट, टमाटर प्याज, तो ये भी अभी मैं इसमें डाल दी। मटर लिए ना, ये मिर्ची पाउडर लिए ना, तो वो आधा चम्मच डालना आपके टेस्ट के अनुसार, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची पहले डाली थी, ये डालना है। इसके बाद डालना है आपको रेड चिली, रेड फ्लैक्स, रेड चिली फ्लैक्स, ठीक है, 1 चम्मच। उसके बाद में डालना है आपको कस्तूरी मेथी, फिर उसमें डालना है आपको हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मैश करना, अच्छे से घुमा लेना इसको, ठीक है। फिर उसमें मैं डालूंगी दही, ये हमारे जो मसाले हैं ना, इसको अच्छे से घुमा लेना, अच्छे से फ्राई होने देना। देखिए गाइस अच्छे से होने देना, कस्तूरी मेथी भी डालना है, उसकी खुशबू अच्छी आती है, ठीक है। फ्राई होने देना है, मसाले अच्छे भून जाए, फिर उसके बाद हमें डालना है इसके अंदर कस्तूरी मेथी भुनी हुई, देखिए आधा चम्मच कस्तूरी मेथी, फिर उसके बाद डालना है आपको, देखिए ये काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा थोड़ा सा, जीरे के बाद अभी मैं डाल रही हूँ इसमें फ्रेश क्रीम, देखिए इसमें ये फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, देखिए ये फ्रेश क्रीम डाल दी मैंने इसके अंदर, इसको अभी हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ्रेश क्रीम
कितने मिनट लगेगा? अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक अपने स्वाद अनुसार। अभी हमारा चिकन बन के तैयार हो गया। अब इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, हल्का सा, थोड़ा सा पीसा हुआ गरम मसाला डाल देना चाहिए, और कस्तूरी, भुनी हुई कस्तूरी मेथी। बस देखिए, अभी हमारा चिकन मलाई रेसिपी तैयार हो गया, मुर्ग मसाला देखिए, मुर्ग मसाला हमारा तैयार हो गया बनके, देखिए देखिए ये हमारा मुर्ग मसाला बनके तैयार हो गया, देखिए ये हमारा मुर्ग मसाला मलाई चिकन रेसिपी तैयार हो गया। मुर्ग मसाला रेस्टोरेंट जैसी चिकन मलाई है, आपने ट्राई करना, बना के देखना और खाना। शबाना आंटी की रेसिपी देख कर ही मुँह में पानी आ जाएगा। मुर्ग मसाला मलाई चिकन देखिए गाइस कैसे बनी है, कमेंट्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना शबाना आंटी को, और ट्राई भी करना कि भाई बहुत अच्छी बनी है रेस्टोरेंट जैसी, और खा के भी देखना। जल्दी आइए खाने के लिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।